शिक्षा हर व्यक्ति हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा के बिना एक सभ्य समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षा से समाज के बेहतर भविष्य का निर्माण का सपना देखने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों का ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। शिक्षा के लिए समर्पित फतेहपुर जनपद के पहरवापुर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकगण तथा प्रधानाचार्य के अथक प्रयासों का ही यह फल है कि विद्यालय पूरे फतेहपुर जनपद में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ने में कारगर सिद्ध हुआ है। 1 जुलाई 2019 को स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत इस विद्यालय में छात्र पंजीकरण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बिंदकी विधानसभा के विधायक करण सिंह पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही जिलाधिकारी महोदय तथा CDO ने भी इस विशिष्ट आयोजन में अपनी भागीदारी दी। बच्चों में ऊर्जा का नया संचार बताया गया, तो वही विद्यालय बच्चों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। आधुनिक तकनीकों से लैस यह विद्यालय बच्चों को नित नए प्रयोगों से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। विद्यालय परिवार की ओर से कॉन्वेंट की तर्ज में विद्यालय परिवार के बच्चों को स्कूल डायरी भी दी गई। बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित फतेहपुर जनपद का विद्यालय जो कि अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, बेशक काबिल तारीफ है। बच्चों के भविष्य के लिए उठाए गए यह कदम निश्चित तौर पर सब बड़े किन्नारों को चरितार्थ करते हैं। बच्चों को अपने आकर्षित करने के लिए बच्चे जब नवाचारों के माध्यम से पढ़ते हैं सीखते हैं तो डेली विद्यालय आते हैं। इसलिए इसी कड़ी में हमने वर्ष 2016 में प्रोजेक्टर के रूप में शुरू करी स्मार्ट क्लास। उसमें बच्चे काफ़ी आकर्षित हुए, हमारे यहाँ से नामांकन भी बहुत है। फिर उसमें और अच्छा करने के लिए फिर हमने स्वयं की प्रेरणा से आज इंटरेक्टिव स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करवाया। इसका एक फ़ायदा हमारे लिए ये है कि हमारे यहाँ बच्चे काफ़ी हैं, 230 नामांकन है, तो एक क्लास में 60 बच्चे हैं। अध्यापक 60 बच्चों को जब पढ़ाता है तो आप समझ सकते हैं कि कक्षा भी भरी हुई है और क्या स्थिति होगी। तो उस तरह बच्चे और अध्यापक का जो होना चाहिए सामंजस्य वो कम बन पाता है। तो वो सोच के हमने इस क्लासरूम में बच्चे आकर्षित होते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं और इसमें वो अपने प्रश्नोत्तर भी दे सकते हैं, उनकी रुचि और जागृत होगी। जनपद में अपनी एक छवि बना पाई है विद्यालय और इसके प्रेरणा बनी आप, और इस उपलब्धि को किस तरह देखती हैं और आगे क्या करने के आपके प्लान? देखिए हमने तो कोशिश ये की उत्तम व्यवस्था है इसके जिससे स्कूल अभियान का शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। उसका स्मार्ट क्लास भी इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए आज उसका शुभारंभ किया गया है। तो एक आदर्श विद्यालय के साथ ही इस अभियान का शुरुआत किया गया और ये भी इस अभियान के साथ साथ और भी अभियान जो आज प्रारंभ हुए, एक विशेष संचारी रोग नियंत्रण का अभियान है जिसमें साफ सफाई, स्वच्छता और व्यक्ति जल के रोगों को नियंत्रित करने के लिए जन जागरूकता बढ़ाने, साथ ही वृक्षारोपण का जो हमारा अभियान प्रारंभ होने वाला वृक्षाकाल में उसमें जनसहभागिता को आगे ले जाने के लिए और लोगों से संवाद करते हुए इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करने के लिए, स्वच्छता को महत्व देने के लिए और उसमें जो हमारे शौचालय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण परिषद बनाए गए उनका सदुपयोग करते हुए और गाँव में प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि व्यक्ति जल के रोग उत्पन्न न हो और जो वृक्षारोपण है उसमें प्रमुख रूप से जन भागीदारी हो, हर एक उसका लगाए ही साथ वृक्ष को लगाए और उसके साथ साथ उसका पोषण भी करें। ये अभियान प्रतिरूप में जनपद में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे विभिन्न जनपदों में विभिन्न स्कूलों में जनपद के ये स्कूल चलो अभियान के जिला स्तरीय अधिकारी की उपस्थिति में, माननीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे जो है जो वर्षीय स्कूल है हमारे उनकी शैक्षिक गुणवत्ता जो है शुरुआत 1 अप्रैल से तो हो चुका है, लेकिन इस बीच में छुट्टियों के बाद आज पहला दिन है इसमें स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत ये जो आदर्श विद्यालय इस विद्यालय में आज ये आयोजन हुआ और यहाँ पर बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में मुख्य विकास अधिकारी और समस्त जनपद के शिक्षण कार्य से संबंधित अधिकारी थे वो यहाँ पर रहे और अपनी अपनी बातों से शिक्षकों को, शिक्षार्थियों को, अभिभावकों को सबको एक ज्ञान दिए जिसमें जीवन यापन के विभिन्न मुद्दों पर, चाहे स्वच्छता से हो, पर्यावरण से हो, शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, लगभग सभी बिंदुओं को यहाँ पर टच किया गया और लोगों को जानकारी दी गई। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा ये विद्यालय में जो व्यवस्था रही, आप लोग भी देखे हैं, मैं मुझसे आप पूछ रहे हैं मैं तो बता ही दे रहा हूँ, आप लोग भी अपनी तरफ से इसका जनमानस में संदेश देने का जरूर प्रयास करेंगे। यूएन इंडिया न्यूज के लिए संदीप के साथ पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर।
रायबरेली के बछरावा में स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात कसरावा निवासी प्रदीप कुमार पुत्र शत्रुघ्न की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव गांव के किनारे स्थित नहर में पड़ा हुआ मिला। परिजनों द्वारा गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने की आशंका व्यक्त की गई। परिजनों के प्रार्थना पत्र के आधार पर नामजद व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या हुआ माता जी? दामाद का शंकर के लड़का मारा था। कौन शंकर? कसराए के। अच्छा, शंकर के लड़का मारा था। ये जिसकी मृत्यु हुई इसका क्या नाम है? प्रदीप। प्रदीप आपके दामाद हैं? हाँ, हमारा दामाद है, छोटा था। शंकर कहाँ रहते हैं? शंकर कसरावा में रहते हैं, उसको घर बाहर था। अच्छा। साहब घर बंद छोड़े, कहता रहा कि जिसको हम बिना मार डरे, इसलिए हम घर छोड़ा है कि बिना हम इनका उठा ले अब तो बहने घर में आई बहन या घर में ना। आपका क्या नाम? आपका? हमारा हमारा मालती। अच्छा, कसरावा में रहती है? नहीं, हमारी हम सब्जी में रहती हूँ साहब। अच्छा अच्छा, तो हमारा दामाद है साहब। अरे दैया, शंकर के लड़का कहीं रहा बदला ले लिया पे। अरे दैया, ये का किहिन खुरी के लड़ी लेती साहब, तो हम जाने तिन के बहादुरी आजू हाजू मार के बदला ले। ट्यूबर इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रायबरेली। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में सत्ताधारी दबंगों ने सत्ता के नशे में चूर होकर लेखपाल की पिटाई कर दी। जी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन की, जहां पर सत्ताधारी दबंग अपने सत्ता के नशे में चूर होकर किसी को भी अपना शिकार बनाते हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए एक तरह का मामला आया जिला जालौन से, कोतवाली क्षेत्र के ग्राम औरखी में, जिसके चलते उप जिलाधिकारी के निर्देश पर तालाब पर अतिक्रमण हटाने के लिए नापजोक के लिए गए लेखपाल के साथ दबंगों ने मारपीट की। वहीं लेखपाल ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सूत्रों की माने तो पुलिस ने दबंग आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। हम लोग साथ तालाब की पैमाइश करके लौट रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था, तो रास्ते में कुछ किसान मिल जाते हैं तो उनसे बातचीत हो रही थी। इसके बाद राम प्रकाश, जिसका नाम पौरे भी है, पुत्र गणपत, मेरे पास आते हैं अपने दो तीन लोगों के साथ और सामान्य रूप से बातचीत चल रही थी। वो कहते हैं कि जो है राघव राम और शकुंतला देवी से कुछ विवाद था पट्टे को लेकर। वो कहने लगे कि उनका पट्टा अवैध है, तो हमने उनको बताया कि भाई पट्टा अवैध नहीं है, वो वैध है पट्टा, सन 1994 में उसका पट्टा किया गया था। तो बस इतनी बात हुई और वो कहने लगे वो अतिक्रमण कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई रास्ता तो खुला हुआ है, सड़क पर तो कोई अतिक्रमण है नहीं, आप कैसे कह सकते हो अतिक्रमण कर रहे हैं? इतनी बात होती है बस। इसके बाद जो है मैं बाइक पर बैठता हूँ और बस वो पीछे से मारने लगते हैं और जो मैं कागज़ रखने वाला था खसरा वगैरह उसको लेके फाड़ देते हैं उसको। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? इसके लिए हमने जो है तहरी लिखवा दी है थाने में, FIR करवा दी है। क्या गिरफ्तारी हुई है किसी की? हाँ, इंस्पेक्टर साहब आए थे और गिरफ्तारी कर ली है उनकी। ओके सर, लेखपाल के मामले में क्या घटना हुई थी सर कल? ग्राम और एकी में परिवार को लेखपाल द्वारा एक तहरीर दी गई है कि मेरे साथ गाँव के व्यक्ति ने समझौता की है और उस संबंध में लेखपाल से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और कुछ बच्चों को बात भेजना जेल भेजा गया है। क्या उसमें सर कागजी दस्तावेज फाड़ दिए गए थे सर? जो भी तथ्य हैं भेजना दौरान सामने आएंगे, जो भी तहरीर दी है लेखपाल ने उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत। क्या अपराधी कुछ पकड़े गए? TV1 इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट जालौन। पर लखीमपुर से ग्राम पंचायत गुलरिया परवस्त नगर के अंतर्गत ग्राम गुलरिया में जब भारत परिषद के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत गुलरिया के प्रधान की दबंगई और राजनीतिक पहुंच के चलते गांव के पात्रों की अनदेखी की गई है और कोई भी सरकारी योजना की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रधानमंत्री आवासों का आवंटन भी मोटी रकम में लेकर अपात्रों को किया गया है। वही पात्रों की झोपड़ियाँ ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। हमने जब कहा है जमीन के लिए कॉलोनी के लिए क्या लड़कों के नाम जमीन कि कॉलोनी हो और वो बनवाए। माता जी आपका क्या करें साहब, गरीब हैं अब कॉलोनी है या ईंट लेटरिन बनवाए नहीं है। मकान कैसा, कच्चा है पक्का बना? बढ़िया पड़े तब भी नहीं प्रधान दे रहा है, पैसे मांग रहा है क्या? कहीं हमने कहीं प्रधान जी से भाई दो
हमारी बना दो लेटरिन बनवा दे, कही बहुआ ने की लौड़िया की आंखी दिखावा तो बनवाई दे। ऐसे कह रहे हैं आइए कही। हां हकीकत जो सच्चाई। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई है जिसका नहीं कुछ बना है? कितने रुपए लिया भैया? आपका ये पैर कैसे खराब हुआ? एक्सीडेंट। प्रधान ने आपको कुछ दिया? पैर दिखाइए अपना पैर। कैसा कंडीशन? फन्नी डाले रह रहे हैं। आपकी सर्वे नहीं हुई? नहीं सर। तो आप कॉलोनी चाह रहे हो? कॉलोनी बने साहब, सोमवार को ऐसे पन्नी डाले रहा। आप पात्रता पात्रम तो आ ही रहे हो पात्रता में? भैया आपके कॉलोनी में कितने रुपए वसूले गए? 25,000। तो जो 25,000 या 30,000 रुपए देता उसी की कॉलोनी बनती है। मेरे बाद में लोग दे नहीं तो आप जो कहते हैं जिनके पास कुछ नहीं है उनको कहाँ जाते हैं? अच्छा, टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन शिवम के साथ कमलेश तिवारी की रिपोर्ट, मोहम्मदी खेरी। देश के जनपद शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 7,00,000 की लूट का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। जी हां, मामला शाहजहांपुर का है, जहां पर दो बाइक सवार बदमाशों ने रंग मोहल्ला से दिन दहाड़े व्यापारी के मुनीम से स्कूटी लूट ली थी। उसकी डिग्गी में 7,00,000 रुपए रखे थे। लूट की सूचना पर एसपी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बदमाशों को तलाशना शुरू कर दिया था, लेकिन पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने 48 घंटे के अंदर लूट का खुलासा करते हुए 3 लुटेरों को जेल भेज दिया। साथ ही साथ लुटेरों से लूटे हुए 7,00,000 रुपए व स्कूटी बरामद की। व्यापारी के जो मुनीम था वो पैसा लेके जा रहा था अपने दुकान में, तो वहाँ कोतवाली इलाके में एक जो बीच में एक रास्ता जाता है, वहाँ दो बदमाशों ने इनको ओवरटेक करके इनसे पैसा और गाड़ी छीन लिए थे। तो इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और कुल 7,00,000 रुपए का इन्होंने लूट लिया था। तो समय मुकदमा पंजीकृत इसमें कर टीमें लगाए गए थे। इसमें आज घटना का अनावरण हुआ है और 7,00,000 रुपए जो लूटे गए थे वो 7,00,000 रुपए बरामद हुआ है और दो अपराधी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। और इसमें एक साजिश करने वाला, जो ये प्लान करने वाला जो मास्टरमाइंड है वो भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। इस तरह ये 3 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है और 7,00,000 रुपए बरामद हुआ है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया गया कि जैसे मुनीम ने जो लेके गया पैसा, तो ये पीछे पीछे जो ये जो दुकान का जो लड़का है, जिस दुकान से जो पैसा लिए थे उसी दुकान का जो मालिक ने ये दो अपराधियों से मिलके ये साजिश रचा था। तो उन्होंने जो मुनीम के पीछे लगा दिया था और इनका ये उद्देश्य था कि जो लूट का पैसा अपना आपस में बंटवारा करके ये काठमांडू जाने के और काठमांडू जाके अपना ऐश करने की जो इनका योजना था। तो हमारे जो टीम है, खास करके जो हमारे क्राइम ब्रांच की टीम है, जो CIW टीम है हमारा, इनकी योगदान बहुत है और इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इनको हार्डली 2 दिन के अंदर इन ये घटना का खुलासा कर दिया और सही अनावरण कर दिया और 100% माल बरामद कर दिया है। तो इस टीम के लिए मैं अपना कैश रिवार्ड अनाउंस करता हूं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। प्राथमिक विद्यालय बाराबंकी के नेरी विकास खंड फतेहपुर में, जहां पर बच्चों को खाना नहीं मिला। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाराबंकी की, जहां पर प्राथमिक विद्यालय नेरी विकास खंड फतेहपुर में जिला बाराबंकी, यहां पहुंचने पर जब हमारी टीम ने पूछताछ की तो बच्चे बता रहे हैं कि इस स्कूल में जिस दिन से स्कूल खुला है उस दिन से आज तक हम लोगों को भोजन नहीं दिया गया, जिसमें एक दिन 2 रुपए वाला पार्ले जी बिस्कुट का डिब्बा दिया गया था। वहीं प्रधानाचार्य अभय मैडम का कहना है कि प्रधान उषा देवी अभी तक कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई है, जिसके चलते भोजन नहीं बना है और अपने पास से वो बिस्कुट मंगा देती है। यह नहीं, शौचालय का निरीक्षण किया गया तो उसमें गंदगी पाई गई। वहीं ऐसा लगता है कि इसमें कभी भी साफ सफाई नहीं होती। वहीं सोचने वाली बात यह है कि जब बच्चे शौचालय यूज नहीं करते हैं तो फिर आखिरकार वो कहाँ जाते हैं? क्या नाम है बेटिया तुम्हारा? वर्षा। खाना पाए हो आज? खाना पाए हो? खाना पाए हो? नहीं पाए हो? नहीं पाए हो? क्या नाम है बेटा आपका? आज खाना पाए हो? नहीं पाए हो? नहीं पाए हो? नहीं। कल खाना मिला था? नहीं। क्या मिला था कल? कल क्या मिला था? बिस्कुट। बिस्कुट किसने दिया था? मैडम ने। मैडम ने। क्या नाम है बेटी आपका?
आकांक्षा कहाँ से आती हो? आज खाना पाए हो? नहीं पाए हो? क्या नाम है बेटा आपका? खाना पाए हो? नहीं पाए हो? खाना नहीं पाए हो? ये आपका क्या नाम है? हाँ तेज बोलो। किरण। खाना पाए हो आज? खाना नहीं पाए हो? अच्छा, कहाँ से आते हो? गांव? कौन से किस गांव से? मैम स्कूल कितने बजे का है? छुट्टी कितने बजे होती है? लंच कितने बजे होती है? लंच होता है 10 बजे से होती है। टाइम क्या हुआ है मैडम? 10:15 हो रहा है। 10:15 हो गया है। लंच तो अभी हुई नहीं? लंच अभी नहीं हुई। क्यों नहीं लंच हुई है? क्योंकि लंच की व्यवस्था प्रधान जी अभी करा नहीं पाए हैं, तो जो है बच्चों के लिए सामान लाने के लिए गए हैं। कल लंच हुई थी? कल हुआ था, लेकिन कल भी बिस्किट बटे थे और आज भी बिस्किट बटाने कर सकते हैं। प्रधान जी का नंबर हमसे ले लीजिए, उनके कुछ व्यक्तिगत कुछ समस्याएं हैं, तो उन्होंने बोला है कि वो एक दो दिन में व्यवस्था पूरी कर पाएंगे। क्या नाम है बेटी आपका? अनन्या। अच्छा, कल स्कूल आए थे? कल नहीं आए थे? आज आए हो? खाना पाए हो? खाना भी नहीं पाए हो? ट्यूबन इंडिया न्यूज के लिए रामनिवास वर्मा की रिपोर्ट, बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में SFI इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ प्रतिबंधित किए जाने पर मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विवेक विक्रम सिंह ने कहा कि छात्र संघ छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकार है और मौजूदा केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने 96 साल पुराना छात्र संघ भंग करके विश्वविद्यालय में लोकतंत्र की हत्या की है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सत्येंद्र यादव की रिपोर्ट, सुल्तानपुर। रायबरेली की तहसील लालगंज के कौंडा बाजार गुरबख्शगंज चौराहे में शाम होते ही यातायात ट्रैफिक छोटी से बड़ी गाड़ियों द्वारा भीषण जाम लग जाता है। इसके चलते रोजाना 6 बजे से 8:30 बजे तक भीषण जाम लगा रहता है। इससे आने जाने वाली छोटी बड़ी गाड़ियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब से बाईपास रोड ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन काफी बाधित हुआ है, तब से लोग इसी चौराहे से होकर लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर के लिए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर काफी जाम लग जाता है और बड़ी सूझबूझ से यहाँ के कस्बा चौकी अजय कुमार यादव ने अपने पुलिस बल लगाकर ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सबको आने जाने वाले पास करते हैं, जिससे कि यहां की जनता व आने जाने वाली छोटी गाड़ियों से लेकर बड़ी गाड़ियों तक किसी प्रकार की कोई परेशानी न उठाना पड़े। मैं TV1 इंडिया न्यूज़ में राजेश कुमार मौर्य आप लोगों को यातायात नियमों के तरफ ले चलते हैं। जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ करोड़ा बाजार चौराहे पे, वहाँ पे शाम 6 बजे रात्र 8-9 बजे तक इतना जाम लग जाता है कि ट्रैफिक और जनता को इतनी परेशानी होती है कि आने जाने के लिए उनको कठिनाइयों का काफ़ी सामना करना पड़ता है। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए मोहम्मद साकिब के साथ राजेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, लालगंज, रायबरेली। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के बीगापुर पाटन तहसील थाना बिहार के अंतर्गत ग्राम आकमपुर मोरपुर कानपुर की तरफ से आ रही फोर व्हीलर जिसका नंबर MH14HH012 प्रयागराज से कानपुर की तरफ जा रही थी, फोर व्हीलर गाड़ी जिस पे आकमपुर मोड़ पर जैसे ही पहुंचे दोनों गाड़ियां तेज रफ्तार होने के चलते आपस में टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट, बीगापुर, उन्नाव। हरदोई की ग्राम सभा त्रौली में उपचुनाव को लेकर लंबा विवाद चला, जहां पर भाजपा कार्यकर्ता प्रदीप मिश्रा ने जान से मारने की धमकी दी। ग्राम बरेठी का मामला है, जहां पर अतरौली के राजा राम वाजपेयी रोहित वाजपेयी उपचुनाव में प्रधानी के विपक्ष में खड़े हैं, जो कि गुंडई पर उतारू होकर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आए, जहां पर गरीब ब्राह्मण के ऊपर जूतों से मारने की धमकी भी दे डाली। सर आपका? प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा, मैं भारतीय जनता पार्टी गुड़गांव मंडल का प्रभारी हूँ जी। क्या हुआ आपके साथ में?
मैं बरेठी गांव में था जी, अपनी मोटरसाइकिल से जी अपने गार्जियन के यहाँ गया था। मैं एक विद्यालय है गायत्री शिक्षण संस्थान जी अतरौली में चलता है जी, तो मैं वहाँ गया तो मैं गार्जियनों के साथ बैठा हुआ था जी। इतने में हमारे जो और लोग प्रचार कर रहे थे, प्रधानी का चल रहा है इस समय उपचुनाव जी, उसमें राजा राम वाजपेयी जो कुंती उनकी पत्नी कुंती देवी खड़ी हैं जी, तो वो आए हमारे पास जी पहले जी, और उनके भतीजे उनका एक लड़का उनका एक भतीजा जी जी पीछे से आए। तो राजा राम वाजपेयी हमसे कहने लगे कि देखो ये बात अच्छी नहीं है और आप आपकी शिकायत मिलती है, आप प्रचार करते हैं। तो हमने कहा मैंने प्रचार किसी का नहीं करता हूँ, मैं अपने काम से आया हूँ जी। इतने में उनके साथ में रोहित वाजपेयी थे, उन्होंने कहा तुम्हारे 50 जूते मारेंगे, तुमको रहने नहीं देंगे, तुम लखनऊ भाग जाओ। तो हमने कहा कि मेरी स्वतंत्रता कोई छीन सकता है, मैं भारत देश का नागरिक हूँ। आपको 50 जूता मारने के लिए क्यों कहा? कि तुम प्रचार कर रहे हो, प्रचार कर रहे थे आप? हाँ, उमा सिंह की पुत्रवधू जो खड़ी है, प्रचार कर रहे थे आप? प्रचार कर रहे थे नहीं कहे, तब भी कर रहे थे, हमारे मित्र कर रहे थे। हाँ प्रचार कर रहे थे ना? हाँ जी। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ तो उनके उन्होंने कहा कि तुम चलो 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 जी। तो उनके कहने से राजा राम वाजपेयी वो सब चले गए। तब तक हमारे जो पार्टी के लोग थे जी, उमा दादा छोटे भैया जी, प्रदीप सिंह जी, वो सब बड़े भैया आ गए जी, तो वो लोग चले गए। तो आपने इसकी तहरीर थाने में दी? इसको हमने इंस्पेक्टर साहब को बताया है जी, मतलब फोन से जी, और उसको उन्होंने 5:30 बजे बुलाया है जी, और कहा है अभी। और आपके साथ कोई था उस समय मौजूद थे? कोई उस समय मौजूद थे? ये लोग थे हमारे पास। क्या नाम है आपका? लल्ला। लल्ला कहाँ रहते हो? हिराईखेड़ा। हिराईखेड़ा क्या हुआ था वहाँ पे? प्रदीप को गाली दे रहे थे। क्यों? अब ये वो जान सकते हैं। आप मौके पे थे जी? जी। आपका नाम क्या है? लल्ला। लल्ला और कौन था साथ में आपके? गोपाल। गोपाल, गोपाल नाम है? गोपाल नाम है जी। बताइए। हम लोग प्रचार कर रहे थे, प्रदीप मिश्रा हमी। आप रहते कहाँ? सिराईखेड़ा। तो हाँ फिर प्रचार कर रहे थे, फिर क्या हुआ? इधर से गोविंद वाजपेयी और ये राहुल मिश्रा वाजपेयी जी, ये लोग गए, इनका मिश्रा जी का भैया वाला गाली बकने लगे, गाली देने लगे। आप किसका प्रचार कर रहे थे? प्रधान जी का। कौन? प्रधान जी? दीपा सिंह का। दीपा सिंह, पंपा सिंह की पुत्र वधू। अच्छा, पुत्र वधू। अच्छा, तो गाली देने लगे। अच्छा, काला भाग जाओ, नखलाऊ भाग जाओ, यहाँ मारेंगे। किस हाथ से, किससे मारने को कहा? हाथ से मारने कहा, हाथों से मार डालने की धमकी दी जी। अच्छा जी, ठीक। आगे हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, और ऐसे जो है किसी की स्वतंत्रता पर जो है मतलब जो है स्वतंत्रता को बंद किया जाता है। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम कहीं बैठ सकते हैं, कहीं उठ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। मारने के लिए कहा है, कल जान से मारने की भी धमकी दे सकते हैं। बिल्कुल, कहीं गांव छोड़ दो तो गांव हम छोड़ देंगे क्या? नहीं, आपको जान से मारने की लोग। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए परीक्षित सिंह के साथ आर के सिंह की रिपोर्ट, अतरौली हरदोई।